जय जय माता दी। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है असली वशीकरण मंत्र। जी हाँ, जहाँ पे मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ बहुत ही अचूक और प्रचंड मंत्र जो कि जेन्युइन और प्रैक्टिकल टेस्टेड होते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ बहुत ही प्रचंड मंत्र और विधि। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस विधि को करके हम जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, थोड़ा सा रूपांतरण करके उस व्यक्ति को भी बुला सकते हैं, उस आत्मा को भी बुला सकते हैं। बस इस विधियों में कुछ चेंजेस किया जाता है, लेकिन मैं आपको वह चीज़ नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ वो चीज़ बताऊंगा जिससे किसी को वशीकरण करना है। पूरी साधना नहीं बताऊंगा, इसको करके आप सिर्फ और सिर्फ उतना कर सकते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह विधि बहुत ही अचूक है, अघोरी साधना है और वाम मार्गी साधना है। जैसा कि आपने सुना होगा, पीपल के पेड़ का उपयोग वशीकरण में होता है। सिर्फ पीपल के पेड़ में ही क्यों होता है, कभी सोचे होंगे आप लोगों ने? इसके पीछे रीजन यह है कि पीपल के पेड़ में ही ऐसी शक्तियां विद्यमान होती है और 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं जो यह कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि हो गए यक्ष, गंधर्व, डाकनी और पिशाच शक्तियां, यह सब पीपल में ही होता है और हमें इनसे ही काम करवाना होता है अपना। अब आपको कैसे काम करवाना है और कैसे करना है, यह ध्यान से सुनिएगा। यह बहुत ही खतरनाक विधि है दोस्तों, इसको करने के बाद व्यक्ति के ऊपर बहुत बुरा असर करने वाला है, बहुत ही बुरा, जिसके ऊपर आपने प्रयोग कर दिया। तो इसको सिर्फ तभी कीजिए जब आपका घर परिवार टूट रहा हो, अर्थात शादीशुदा हो, तब करिए, बेहतर होगा। इसे कोई भी कर सकता है, स्त्री या पुरुष। बस ध्यान दीजिएगा कि इस विधि को करने वाले दिन आपको मांस मदिरा और संभोग नहीं करना है, और स्त्रियां मासिक धर्म के समय इस विधि को बिल्कुल भी ना करें। अब क्या करना है, गौर फरमाइए, बहुत बारीकी से समझिएगा बात को। आपको शनिवार को शाम को 6 बजे के बाद इस विधि को करना है। आप काला कपड़ा पहन लीजिए और ऐसी जगह जाइए जहां पे पीपल का वृक्ष हो। सूर्यास्त के बाद करना है इस विधि को, और वहां पे सिर्फ आपको अकेले जाना है, कोई ये इस विधि को करते हुए आपको बिल्कुल भी ना देखे, ध्यान रखिएगा। अब एक मिट्टी का दिया रख लीजिए और एक चमेली का तेल थोड़ा उसमें डालना है, ये सब। और आपको एक लौंग लेके जाना है साथ में। ध्यान रखिए वस्तु क्या क्या चाहिए, मिट्टी का दिया, चमेली का तेल और लौंग, इतना को लेके जाना है वहां पास। और जाके सबसे पहले पीपल के पेड़ से प्रार्थना करना है, क्योंकि उसमें जो शक्तियां विद्यमान है उससे आपको प्रार्थना करनी है कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह कार्य में मुझे सफलता प्रदान करें। चलिए ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है, उस मिट्टी के दीपक को जला देना है, और उसके बाद जलाने के बाद मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, ये बहुत ही प्रचंड और सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को मात्र और मात्र 101 101 टाइम्स जाप करना है, ध्यान से सुनिएगा। ओम क्रीम क्रीम ह्रीम फट स्वाहा, मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, उच्चारण में ध्यान दीजिएगा। ओम क्रीम क्रीम ह्रीम फट स्वाहा, 101 बार जाप करने के बाद आपको वहां से उस लौंग को उठा लेना है जो आपने मिट्टी के दिए में रखा है। उस लौंग को उठा के आपको रख लेना है दोस्तों, और उसके बाद वहां से आपको वापस आ देना है। ध्यान रखिए, पूरे मंत्र जाप के समय वह दिया जलते रहना चाहिए, और जब आप वापस आएंगे तो पीछे पलट कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। चाहे आपको कुछ आवाजें आए, चाहे आपको कोई बुलाए या कुछ भी हो, पीछे पलट के बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसमें डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी हानि नहीं होगा आपको। अब उसके बाद जो लौंग है, उस लौंग को आपको उस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करना है जिसका आपको वशीभूत करना चाहते हैं। यह खतरनाक वशीकरण है, इससे व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल है। तो ध्यान रखिएगा, बीवी के ऊपर या पति के ऊपर ही प्रयोग कीजिए इसको, वही सही रहेगा। अब प्रयोग कैसे करना है, ध्यान दीजिए। लौंग को अपने बाएं हाथ में लेना है और 7 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके ऊपर आपको प्रयोग करना है। इसको आपको बाएं हाथ से फेंक के मार देना है, नहीं तो खिला दीजिए। अगर व्यक्ति आपके पास नहीं है तो उसकी फोटो या फिर कोई कपड़ा होगा, पानी
उसमें आप उसका नाम लेकर उसे फेंक के मार दीजिए। बस इतना करते ही वह व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी जगह क्यों ना हो, उसके ऊपर इतना भयानक और खतरनाक प्रभाव पड़ने वाला है कि वह व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा और चाहे कहीं भी रहे वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। दोस्तों, इस प्रयोग को करने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए और तो मेरे नंबर पे फोन कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है 8962841505। ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी व्यक्ति के जिंदगी बर्बाद किया या फिर कुछ भी गलत किया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अपने विवेक से काम लीजिएगा दोस्तों, सबका भला कीजिए, सबका मंगल हो। जय जय माता दी दोस्त।